राजधानी रांची के बूटी मोड़ स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल ने एक ऑपरेशन में ब्लैक फंगस से पीड़ित एक युवक की आंखें बचा ली है और इस जटिल ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टरों ने कहा है कि ब्लैक फंगस के बाद जरूरी नहीं है कि मरीज की आंखें निकालनी ही पड़े, उसे ठीक भी किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। ब्लैक फंगस के संक्रमण के बाद भी बच सकती है आपकी आंखें। डॉक्टरों से समय पर संपर्क से नहीं गंवानी पड़ेगी आंखें। रांची के बूटी मोड़ लाइफ केयर हॉस्पिटल की बड़ी उपलब्धि, ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज का किया सफल ऑपरेशन। अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने बचाई मरीज की आंख। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, इसी उद्देश्य के साथ कोरोना काल में संक्रमित मरीजों की बेहतर सेवा करने वाली राजधानी रांची के निजी अस्पताल लाइफ केयर हॉस्पिटल ने म्यूकर माइकोसिस से पीड़ित कोडरमा झुमरी तलैया के रहने वाले 30 वर्षीय रूपेश गुप्ता का सफल सर्जरी किया। कोरोना से ठीक हुए पोस्ट कोविड मरीजों में म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की समस्या देखी जा रही है। बूटी मोड़ स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल के अनुभवी और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने बिना समय गंवाए मरीज का इलाज कर उसकी आंखों की रोशनी को वापस लौटाया। सूजन आ गया था, सेम साइड के नाक के अंदर का जो स्किन है उसमें ब्लैक कलर का एक परत जम गया था और माउथ के अंदर, मुंह के भी अंदर ब्लैक कलर का छाला छाला आया हो। हमने मिलकर ये बात किया तो हमें लगा कि ये ब्लैक फंगस का केस है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री जो थी कोविड की थी। 1 वीक पहले वो कोविड से ठीक हो चुके थे। जिनको स्टेरॉइड चला है या फिर जो लंबे समय तक आईसीयू या ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें, उनको एक हाई रिस्क ग्रुप में डालें और उनको हम रेगुलर फॉलोअप करें, क्योंकि हो सकता है ऐसे बहुत सारे मरीज हों जिनको जानकारी ना हो, वो खुद से फॉलोअप के लिए ना आ पाएँ। तो ऐसे मरीजों को हम खुद से आइडेंटिफाई करके उनको रेगुलरली विजिट पे बुलाएं। बीते 30 अप्रैल को रूपेश कोरोना से संक्रमित हुए थे और 5 दिनों तक कोडरमा स्थित नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज चला, मगर स्थिति गंभीर होने के बाद उन्हें राजधानी रांची के लाइफ केयर अस्पताल भेज दिया गया, जहां चिकित्सकों ने मरीज के ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का ऑपरेशन किया। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज के परिजन के चेहरे पर खुशी दिखी। ब्लैक फंगस हुआ था मेरे हस्बैंड को, अब तो सक्सेसफुल है। डॉक्टर अनु सर किए ऑपरेशन, उसमें सक्सेसफुल है। हम सर को धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, ऑपरेशन किए हैं उसको शुक्रिया अदा करते हैं सर को। कितना परेशान हुए थे? बहुत परेशान हुए, 1 महीना से हम पूरा परेशान हैं। वहीं सफल ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे सभी चिकित्सकों की टीम को लाइफ केयर हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सक और निदेशक ने बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में भी अस्पताल के चिकित्सक बेहतर सेवा मरीजों को दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे आया तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी की हुई थी, उनका सारा दवाइयों से ही ठीक हो गए थे वो, क्योंकि अर्ली में पकड़ में आ गया था। फिर अभी एक हमारे रूपेश कुमार गुप्ता करके पेशेंट हैं, वो एडमिट हुए थे 22 तारीख को हमारे यहाँ पे। उनका कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल था और उसमें हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन करते हुए उनको सक्सेसफुली ट्रीट किया। लाइफ केयर अस्पताल में भर्ती कोरोना के संक्रमित सभी मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद भी पोस्ट कोविड को देखते हुए फ्री फॉलोअप के माध्यम से उनका ख्याल रखा जा रहा है। वहीं कोरोना के संक्रमण को मात देने वाले लोगों से आग्रह भी किया है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के प्रति जागरूक रहें, ताकि समय रहते बीमारियों की समस्या का समाधान हो सके। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी राजा के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।